पिछले 5 वर्षों के दौरान सल्तनत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 70% से अधिक की कमी आई है। ओमान न्यूज एजेंसी यानी ONA द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, पिछले 5 वर्षों के दौरान सल्तनत में यातायात दुर्घटनाओं की संख्या में 71.6% की कमी आई है। 2016 में 4,721 से घटकर 2020 में 1,341 दुर्घटनाएं हैं। ओमान मौसम विभाग ने अपने दैनिक मौसम पूर्वानुमान में कहा कि रविवार को अल हजर पहाड़ों और दोफार शासन पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान में कहा गया है, मुख्य रूप से बादल की संभावना के साथ सल्तनत पर आसमान साफ हो जाएगा और अल हजर पहाड़ों और दोफार में बारिश होगी। दक्षिण अल शर्किया, अल वुस्ता और दोफार में देर रात से लेकर सुबह तक निम्न स्तर के बादल या कोहरे की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 72 घंटों में ओमान में 3,538 नए कोरोना वायरस मामले और 35 मौतें दर्ज की हैं। देश में कुल मामले अब 188,816 हैं, जिनमें से 168,770 अब स्वस्थ हैं और 1,977 का निधन हो चुका है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।